हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएट द फंक्शन वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स के रूट ऑफ 1 + x माइनस के रूट ऑफ 1 - x अपॉन के रूट ऑफ 1 + x प्लस के रूट ऑफ 1 - x। तो आप इसको एक तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको फार्मूला बताया था डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स x का, ठीक है, इसका डेरिवेटिव सीधा था 1 / x2। आप इस सारे को x मान सकते हैं, ठीक है, इस सारे को x, तो यह आएगा 1 / 1 + x2। ये काफ़ी बड़ा बन जाएगा, फिर उसको आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं, ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका इसका बताता हूँ, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बड़े आसान बन जाते हैं अगर हम इनमें कोई सूटेबल सब्स्टिट्यूशन कर लें। नोट करें, स्टेटमेंट में जब 1 + x अंडर द रूट हो और 1 - x इस टाइप का फंक्शन आए क्वेश्चन के अंदर, ऐसा इन्वॉल्व हो, देन यू शुड पुट x इज इक्वल टू cos 2θ पुट करें, ठीक है। जब इस प्रकार का 1 + x भी आए, 1 - x आए, अंडर द रूट आए, तो cos 2θ पुट करें, तो बाई डेफिनेशन 2θ इज इक्वल टू cos इनवर्स x, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos inverse x, ये बन जाएगा, और फंक्शन बन जाएगा y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 + cos 2θ अंडर द रूट माइनस 1 - cos 2θ स्क्वायर रूट है इसका, इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 1 + cos 2θ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - cos 2θ। नोट करें, अब ये साइन 2θ के फार्मूले आ गए, इनमें ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़रूरी है, फार्मूले आपको आने चाहिए जो +1 वगैरह हम पढ़े थे आपने। अरे 1 + cos 2θ तो 2 cos²θ होता है, पता है कि नहीं, तो यहाँ पर लिखिए 2 cos²θ अंडर द रूट, ऐसे ही माइनस के 1 - cos 2θ तो 2 sin²θ, हाफ हो जाता है, थीटा ये 2θ आएगा अंडर द रूट। सिमिलरली 2 cos²θ अंडर द रूट माइनस 2 sin²θ अंडर द रूट। अब ये रूट ये कैंसिल हो जाएंगे और ये बन जाएगा y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, देखिए रूट टू इसमें बचेगा, आप रूट टू बाहर ही लिख दें, और ये आएगा cos θ - sin θ, स्क्वायर रूट हट गया। सेम ऐसे ही रूट टू बाहर लिखें, cos θ + sin θ, ठीक है, ये बीच में प्लस है, प्लस साइन थीटा, ठीक है, ये इतना हमारे पास आ गया, अब रूट टू ये कैंसिल हो गया। नाउ वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ऐसे क्वेश्चन में जब cos θ sin θ आ जाए तो cos θ से डिवाइड करें, क्योंकि फार्मूला बन जाए, cos θ से डिवाइड करेंगे ये 1 आ गया, माइनस के sin/cos टेंजेंट थीटा होता है, अपोन ये 1 + ये भी टेंजेंट थीटा बन गया, ठीक है। अब ये फार्मूला है, ये आप ऐसे लिख सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स, ये फार्मूला याद है टेंजेंट a - b का, यानी कि टेंजेंट π/4 - θ। नोट करें, ये फार्मूला टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b अपॉन 1 + टेंजेंट a टेंजेंट b, टेंजेंट π/4 1 होता है, ओके। अब ये फार्मूला है टेंजेंट इनवर्स, ये भी आप जानते हैं, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू थीटा, ओके, तो यहाँ पर थीटा बन गया, वाई इज इक्वल टू π/4 - θ, वाई इज इक्वल टू π/4 - θ की वैल्यू हमारे पास ये थी 1/2 cos inverse x, तो आप यहाँ पर लिख दें 1/2 cos inverse x, और ये फंक्शन है बड़ा सिंप्लीफाइड हो गया। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू नो चेंज जीरो माइनस वन बाई टू कोस इनवर्स का, तो क्या आएगा माइनस वन अपॉन स्केयर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्केयर, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, वन बाई टू टाइम स्केयर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्केयर, तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, इन बातों को आप नोट करें। तो इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूँ, प्लीज़ नोट करें, वो आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करने में मदद करेंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर ये आ जाए ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर अंडर द रूट, ठीक है, देन पुट, आप पुट करें एक्स की जगह ए साइन थीटा और ए कोस थीटा, जैसे रिक्वायर्ड वहाँ पर करें, क्योंकि यहाँ पर ए करेंगे तो ए स्केयर साइन स्केयर थीटा हो गया, अगर ये पुट करें तो ए स्केयर कॉमन आ जाएगा, वन माइनस साइन स्केयर थीटा कोस स्केयर थीटा, और ये ए बार आ जाएगा और रूट हट जाएगा, कोस स्केयर आ जाएगा। इसी तरह से ये ए माइनस, ठीक है, क्योंकि इनमें आपस में रिलेशन होता है ना, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू वन, तो यहाँ पर ये यूज करें। और अगर क्वेश्चन के अंदर, फंक्शन के अंदर एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर आ जाए, देन पुट, तब आपको क्या पुट करना चाहिए, एक्स इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा और ए कोट थीटा, ये पुट करें, ठीक है, क्योंकि सिकेंड स्केयर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा होता है, तो ये इसी तरह कोसिकेंड स्केयर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्केयर थीटा बन जाएगा, इसलिए ए टेंजेंट थीटा है कॉट, ए का मतलब कोई भी रियल नंबर होता है, यहाँ पर सपोज करें यहाँ फोर है तो टू, ताकि स्केयर होकर फोर को बाहर आ जाए, ये आपने ध्यान से करना है। ऐसे ही ये दूसरा था, तीसरा एक और नोट कर लें, अगर क्वेश्चन के अंदर एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर अंडर द रूट आ जाए, तो आपको पुट करना चाहिए पुट एक्स इज इक्वल टू ए सिकेंड थीटा, ए सिकेंड थीटा और ए को सिकेंड थीटा, तब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है, और ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स दोनों ही हो, जैसे इस क्वेश्चन में था उसमें कोस टू थीटा पुट करें, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और भी आएंगे तो आपको साथ साथ बताते चलेंगे, आप इन चीज़ों को नोट करें, ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, आसान बना देंगे क्वेश्चन को।